मैम आज एक बड़ा फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जो पॉलिटिकल पार्टीज के इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स थे उनको मना कर दिया गया है कि अब वो नहीं यूज हो सकते हैं और तत्काल प्रभाव से उन्हें निष्क्रिय कर दिया गया और उन्हें अवैध भी घोषित किया है। देखिए, हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स के इस डिसीजन का स्वागत करते हैं। ये ट्रांसपेरेंसी के इंटरेस्ट में, इलेक्शन फंडिंग की ट्रांसपेरेंसी के इंटरेस्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। वरना इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक तरीका बन गए थे जिसके माध्यम से ये पता नहीं चल रहा था कि कौन व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टी को फाइनेंस कर रहा है। इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत ज़रूरी है कि ट्रांसपेरेंसी रहे कि किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा कौन लोग दे रहे हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने ECI को तुरंत प्रभाव से कहा है कि किस पार्टी को कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले, उनकी सारी डिटेल्स को पब्लिक डोमेन में डाला जाए। इस देश के हर नागरिक को ये जानने का अधिकार है कि जिस पार्टी को वो वोट दे रहे हैं उस पार्टी को फंडिंग कहाँ से आई है, क्योंकि ये एक नागरिक को जानने का अधिकार है कि क्या जो किसी राज्य में या जो केंद्र में जो पार्टी शासन कर रही है, क्या वो अपने वोटर की चॉइस के आधार पर निर्णय ले रही है या जिसने उसे चंदा दिया है उसके आधार पर निर्णय ले रही है। इसलिए ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और हम इसका स्वागत करते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को तुरंत प्रभाव से अवैध घोषित कर दिया गया है।